वेलकम टू कुकिंग शुकिंग विद प्रिया। आज मैं आपको चाउमीन बनाना बताऊंगी, बिल्कुल मार्केट स्टाइल में। इन्हें आप घर पर 10 मिनट के अंदर बना सकते हैं। कुछ टिप्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो आप मेरा वीडियो पूरा ध्यान से देखिए। मेरे और भी वीडियोस देखने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिए। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। चाउमीन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये नूडल्स लिए हैं। ये बहुत लंबे हैं तो इनको हम तोड़ लेंगे। आप चाहे तो नहीं भी तोड़ सकते, आपकी चॉइस है। इस तरह से मैं यहाँ पे बीच से तोड़ लेती हूँ। इस तरह आप देख सकते हैं सारे चाउमीन को मैंने तोड़ लिया है। तो चलिए अब इनको हम बॉइल करते हैं। गैस पर मैंने पैन रखा है, इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया है। अब इसमें हम नमक डालेंगे। पानी उतना ऐड करना है कि हमारे चाउमीन इसमें अच्छी तरह से डूब जाए। गैस की फ्लेम को हमें फुल रखना है। आप देख सकते हैं पानी बॉईल होने लग गया है। अब हम इसमें 1 टीस्पून तेल ऐड करेंगे। तो मैं इसमें तेल ऐड कर देती हूँ। अब हम इसमें चाउमीन ऐड करेंगे। इसको एक बार मैंने मिक्स कर लिया है। अब हमें जो चाउमीन लिए थे वो इसमें हम ऐड करेंगे सारे, और इसको एक बार हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम को हमें फुल ही रखना है। अच्छे तरह से इसको हम डीप करेंगे। आप देख सकते हैं नूडल्स जो हमारे पक कर तैयार हो गए हैं। ये देखिए इनको पकने में 5 से 7 मिनट का टाइम लगा है। अब जो है इसका हम पानी निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने इसका पानी निकाल लिया है। अभी हमें एक दो बार और ठंडे पानी से धोना है। इस तरह हम ठंडे पानी से भी इसको वॉश करेंगे। 2 से 3 बार हमें इसको वॉश करना है अच्छी तरह, ताकि इसका जो स्टार्च है वो पूरा निकल जाए और ये आपस में चिपके नहीं। इस तरह आप देख सकते हैं मैंने 2 से 3 बार इसको वॉश किया है। अब इनको मैं एक प्लेट में निकाल दूंगी और फैला दूंगी अच्छी तरह से। एक खास टिप्स मैं आपको दूंगी, वो ये है कि जब भी हमें नूडल्स बनाना हो तो इस तरह बॉईल करके आप रख दें, और जब भी हमें खाना हो या कोई पार्टी हो तो हम पहले से इस तरह उबाल के रख सकते हैं इनको बॉईल करके। और जब हमें बनाना हो गर्मा गर्म तो इसमें हम 1 टीस्पून तेल ऐड करेंगे इस तरह, और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे। ऐसा करने से जो है नूडल्स हमारे चिपकेंगे नहीं और बिल्कुल खिले खिले रहेंगे। इस तरह आपकी इच्छा हो जब भी आप इनको बनाकर खा सकते हैं, इस तरह बॉईल करके भी आप रख सकते हैं। तो चलिए अब हम चाउमीन बनाने के लिए वेजिटेबल और मसाला तैयार करते हैं। चाउमीन में मसाला तैयार करने के लिए हमें चाहिएगा विनेगर। ये विनेगर है 1 टीस्पून हमें लेना है। चिली सॉस लेना है हमें 1 और आधा टीस्पून। ये है टोमेटो केचप, ये लेना है हमें 1 टीस्पून। नमक हमने पहले भी ऐड किया था तो हम कम ही डालेंगे, तो हम डालेंगे 1/2 टीस्पून। काली मिर्च डालेंगे हम 1 टीस्पून। ये काली मिर्च पाउडर है, ये हमें डालना है। तो चलिए सबसे पहले पैन में हम तेल ऐड कर लेते हैं। गैस पे मैंने पैन रखा है और 2 टीस्पून मैंने इसमें तेल ऐड किया है। अब इसमें मैं प्याज ऐड करूंगी जो हमने लंबे लंबे काटे थे। कुछ सेकंड हमें इनको फ्राई करना है। कम फ्लेम पे हम इनको फ्राई करेंगे। जो भी सब्जियां हम इसमें ऐड करेंगे वो हमने पहले से धोकर उनको लंबे लंबे काट ली है। प्याज फ्राई हो गए हैं। 2 कप मैंने यहाँ पर प्याज लिए थे। अब हम 2 कप ही पत्ता गोभी लेंगे, उसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे कुछ सेकंड के लिए। इसको भी हम पका लेंगे, ज्यादा हमें नहीं पकाना है। अब हम शिमला मिर्च डालेंगे, ये भी हमने 2 कप ली है। हमने लंबी लंबी पतली पतली स्ट्रिप में इसको काट लिया है, और इसको हम एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और कुछ सेकंड के लिए इसको भी हमें पकाना है। अब इसमें हम नमक ऐड करेंगे और काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। अब डालेंगे हम सोया सॉस, चिली सॉस, टोमेटो केचप, और एक बार इनको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। अब हम ऐड करेंगे विनेगर। सभी को अच्छी तरह से हमें हिलाते हुए इनको हमें ऐड करना है, और सब्जियां जो है आप अपनी इच्छा अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं। सभी को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे।
जो नूडल्स हमने बॉईल किए थे वो अब हम इसमें ऐड करेंगे और अच्छी तरह से हम सबको हिलाएंगे। आप देखिए चाउमीन हमारे बनकर तैयार हो गए हैं, देखने में भी कितने सुंदर और अट्रैक्टिव लग रहे हैं। गैस की फ्लेम को अब हम बंद कर देते हैं और चलिए अब हम इनको गर्मा गर्म सर्व करेंगे। इस तरीके से आप घर पर बनाकर बच्चों को चाउमीन दीजिए, वो उंगलियां चाटते हुए रह जाएंगे। आप देख सकते हैं कितने अच्छे और खिले खिले हमारे चाउमीन बने हैं, देखिए। घर पर हम आसानी से 10 मिनट के अंदर चाउमीन बनाकर हम तैयार कर सकते हैं। चाउमीन बच्चों के तो फेवरेट होते ही है, जब भी उनकी बर्थडे पार्टी हो तो आप जरूर बच्चों के लिए बनाकर दीजिए। आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपका दिन शुभ रहे।